नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं एंजल टेक एनालिसिस। तो बात करेंगे आज निफ्टी के बारे में कि निफ्टी ने किस तरह से मूव की फ्राइडे के सेशन में, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में भी आज बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं निफ्टी की वीडियो। तो जैसा कि आप यहां पर देखिए कि निफ्टी में जो आज कैंडल जो बनी हुई है, ये कैंडल देखिए, यहां पर एक इसका रेजिस्टेंस था इस लेवल पर, इस लेवल पर रेजिस्टेंस था। ये लेवल आपका है 12,750 का, तो 12,750 के पास एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो फाइनली जो एक्सपायरी डे के जो मूव हुई थी वो मूव देखिए एक जो है, मतलब आप कह सकते हैं कि बेरिश कैंडल के रूप में थी, नेगेटिव कैंडल थी। तो आज जो ये कैंडल बनी है ये देखिए एक ये बुलिश कैंडल बनी है। सो यहां पर देखिए अभी हम बियरिश इसमें हम जब तक नहीं हो सकते जब तक देखिए ये लेवल नीचे की तरफ क्रॉस ना हो जाए, 12,500 का लेवल नीचे की तरफ क्रॉस होकर क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम निफ्टी में बियरिश नहीं होंगे। अभी देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक हैमर कैंडल दिखाई देगी। तो हैमर कैंडल देखिए एक जो है पॉजिटिव साइन होता है। चलिए हम इसको जो है 15 मिनट का चार्ट लगाकर देखते हैं और बात करते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी में कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर आपको मैं यहां पर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। अब ऊपर के देखिए यहां पर एक ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहां पर ऊपर कर देता हूं, ये लेवल, ठीक है। अब आप अगर यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर देखिए निफ्टी जो है एक रेंज में काम कर रही है। अब इसके लिए जो रेंज है वो नीचे 12,750 की रेंज है और ऊपर जो है 12,950 की रेंज है। तो मींस हम कह सकते हैं कि 200 पॉइंट्स की, मतलब जो 200 पॉइंट्स की जो यहां पर मूव है, अब इसके अंदर ही निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है। तो फाइनली देखिए अब हमको अगर एक क्लियर कट व्यू चाहिए तो हम 12,950 के ऊपर, ठीक है, तो वहां पर हम बाइंग के साइड जा सकते हैं और जो है 12,750 के नीचे हम जो है सेल साइड जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी हम यहां पर देखते हैं कि हम जो है मंडे के सेशन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये अगर हम देखेंगे, मैंने यहां पर देखिए ये एक रेजिस्टेंस था, फाइनली इस रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, अब यहां पर जो है देखिए सपोर्ट ले रहा है। अब अगर निफ्टी जो है देखिए स्टार्टिंग के जो 5 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट यहां पर एक सस्टेन होना शुरू होता है या यहां पर रेंज बाउंड होता है, रेंज बाउंड होने के बाद ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता है तो हम फाइनली यहां पर बायर बन जाएंगे। देखिए मैं आपको यहां पर क्लियर कट एक लेवल बता देता हूं, ठीक है, यहां पर आप जो है 12,880 की क्लोजिंग के ऊपर आप जो है बाइंग के साइड जा सकते हैं, ठीक है, और यहां पर जो है देखिए 12,840 के नीचे आप जो है सेलिंग साइड के लिए जा सकते हैं। तो ये दो लेवल हमारे मंडे के लिए इंपॉर्टेंट है, बाइंग के लिए 12,880 का लेवल और नीचे जो है 12,840 का लेवल। तो अब इन दो लेवल पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। और अगर हम यहां पर देखिए ट्रेंड लाइन की बात करें तो नीचे से एक ट्रेंड लाइन जो है इसको सपोर्ट कर रहा है वो ये ट्रेंड लाइन है। देखिए मैं इसको टच कर देता हूं, जी अब ये देखिए, अब ये जो है ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। अब यहां से जब नीचे की तरफ ये आएगा तो इस ट्रेंड लाइन पर कहीं ना कहीं सपोर्ट ले सकता है और उसके बाद फिर इस लेवल से, ये जो नीचे का लेवल है 12,750 का लेवल जहां से बार बार आके निफ्टी बाउंस बैक हो रहा है, देखिए यहां से भी 12,750 से बाउंस बैक हुआ, ये दूसरी बार यहां से देखिए बाउंस बैक हुआ, तीसरी बार यहां से बाउंस बैक हुआ, चौथी बार भी यहां पर आके बाउंस बैक हो सकता है। देखिए ट्रेड करिए लेवल पे करिए, विदाउट लेवल ट्रेड मत करिए। अगर विदाउट लेवल, विदाउट लॉजिक और विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आप ट्रेड कर सकते हैं तो आप यहां पर फंस सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर अब मैं ऊपर से आपको देखिए एक ट्रेंड लाइन यहां भी ड्रॉ करके दिखाता हूं, ये देखिए अब ये ऊपर के लिए ये ट्रेंड लाइन जो है हमारे लिए काम करेगा और नीचे के लिए ये ट्रेंड लाइन। अगर हम ट्रेंड लाइन बेस हमको ट्रेडिंग करनी है तो देखिए फाइनली यहां पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद इसको अगला हर्डल मिलेगा 12,880 का। सो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं अगर आपको सेफ बाइंग करनी है तो 12,880 के ऊपर जो है बाइंग साइड जा सकते हैं। आपका क्लियर कट टारगेट यहां पर जो है 12,950 का होगा। मीन्स अगर हम बात करें तो हमको यहां पर 70 पॉइंट्स की मूव जो है इजिली मिल सकती है। बट देखिए यहां पर एक और ये देखिए ये रेड कैंडल, यहां पर भी रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। तो 12,930 और 12,950 ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऊपर के लिए और नीचे के लिए। मैं आपको बता दूं कि नीचे के लिए 12,800 और 12,750 का लेवल इंपॉर्टेंट है सेलिंग साइड अगर हम जा रहे हैं। तो ये हमारा मंडे का व्यू है और हम इस तरह से हम ट्रेडिंग करने वाले हैं। चलिए आइए अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में, निफ्टी में जो स्टॉक्स ट्रेड करते हैं उनके बारे में, ठीक है। तो ये रहा हमारा, देखिए पहला स्टॉक है हमारा अडानी का। तो अडानी पोर्ट्स का स्टॉक ये देखिए, ये जो है कंटिन्यू एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकल रहा है। अभी कल के सेशन में क्या हो सकता है, कल के सेशन में ही अगर कल का लो ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा एशियन पेंट्स। तो एशियन पेंट्स के लिए देखिए अब ये कंटिन्यू एक ये सपोर्ट का काम कर रहा है 2150 का लेवल, नीचे 2150 का लेवल और ऊपर जो है
ये देखिए 2250 का लेवल। अब यहां पर देखिए, देखिए मोस्टली जो है कोई स्टॉक हो गया या कोई इंडेक्स हो गया, वो रेंज का जब ब्रेकआउट होता है तो वहां से हमको अच्छी मूव देखने को मिलती है। और फाइनली अब देखिए यहां पर जो इसने कैंडल जो फॉर्म कर रखी है, ये यहां से मुझको लगता है कल को एक बाउंस बैक यहां से एशियन पेंट्स को मिल सकता है। तो यहां पर अगर आपको बाइंग करनी है तो आप यहां पर इस 2180 के ऊपर जो है बाइंग साइड जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने देखिए कितनी अच्छी एक हैमर कैंडल यहां पर फॉर्म की है। फाइनली इसका एक सपोर्ट लेवल था 585 का, तो यहां से जो है 590 से यहां पर देखिए सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद बाउंस बैक किया। अब हम जो है देखिए कल जो बाइंग करेंगे वो 617 रुपए के ऊपर हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो को देखिए अभी एक रेंज में कंटिन्यू देखिए ट्रेड कर रहा है, ऊपर की रेंज जो है 2140 की है और नीचे की रेंज जो है 2830 की है। तो ठीक है, अभी इसको फाइनली रहने दीजिए, इसको ट्रेड मत करिए इंट्राडे के लिए। नेक्स्ट है हमारा बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस देखिए मैंने आपको यहां पर बताया था कि 3430 के ऊपर मैंने यहां पर आपको बाइंग के लिए बताया था, तो फाइनली यहां पर देखिए 2-3 दिनों में इसने जो है 4790 का जो है टारगेट लगा दिया। सॉरी मैंने 4430 के ऊपर 4430। नेक्स्ट है हमारा देखिए बजाज फिंसर्व। बजाज फिंसर्व देखिए मैंने अपने क्लाइंट्स को भी दे रखा है जो पोजिशन ट्रेड करते हैं, मैंने उनको इस ब्रेकआउट पर दिया था जो 6700 का ब्रेकआउट हुआ था। तो फाइनली यहां पर हमने जो है 6700 की क्लोजिंग के ऊपर यहां पर पोजीशन बनाई थी। इसमें देखिए 50% क्वांटिटी हमारी बुक हो चुकी है और अभी कंटिन्यू जो है चल रही है। देखिए मैं आपको अगर बता दूं तो जो हमने पीछे पोजीशन ट्रेड किए थे जो अक्टूबर स्टार्टिंग में जो हमारे ट्रेड जो हमारे बनाए थे अक्टूबर 10th के बाद, वो थे एक्सिस बैंक, बजाज फिंसर्व, आयशर मोटर, HDFC बैंक, ITC, इंडसइंड बैंक, कोटेक बैंक, टाटा स्टील और टाइटन। तो इन स्टॉक्स में जो है हमने ट्रेड बनाए थे। और अभी हमारे जो फ्रेश ट्रेड हैं जो अभी हम लेने वाले हैं उनके नाम है डिविस लैब, नेस्ले, गेल, LT और MNM। तो ये 5 स्टॉक्स अभी जो है हमारे वॉच लिस्ट में है, इसको हम जो है ट्रेड कर सकते हैं। सेकंड देखिए, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाइए, वहां से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं देखिए चार्ट वगैरह पोस्ट करते रहता हूं, वहां पर मैं अपनी ट्रेडिंग आइडिया पोस्ट करता रहता हूं, वहां पर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट पोस्ट करता हूं कंटिन्यू, मार्केट में कैसी सिचुएशन है, मार्केट में क्या हो रहा है, कौन से सपोर्ट कौन से रेजिस्टेंस इस टाइम इंपोर्टेंट लेवल बने हुए हैं, उन सब चीज के बारे में चर्चा करता हूं। सो इसलिए अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है देखिए हमारा BPCL। तो BPCL देखिए ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ था अभी यहीं पर ये सपोर्ट ले रहा है, मे बी यहां से सपोर्ट लेने के बाद ये जो ऊपर की तरफ जा सकता है 395 के ऊपर हम बाइंग के लिए देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा देखिए भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल के देखिए अब जो ये लेवल है 490 के ऊपर की क्लोजिंग आने दीजिए, 490 के ऊपर की क्लोजिंग इसको जो है 500, 510 और 520 तक लेकर जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटानिया। तो ब्रिटानिया देखिए इसके लिए अभी जो है 3585 का एक हर्डल बना हुआ है, यहां पर आप देखिए ये देखिए फर्स्ट टाइम सेकंड यहां देखिए ब्रेकआउट हुआ था, ये पहले यहां पर ये सपोर्ट था, सपोर्ट फाइनली यहां पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम, तो 3 बार जो है ये लेवल टेस्ट कर चुका है। मे बी अगर ये ब्रेक होता है 3590 का लेवल ब्रेक करता है तो हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन हमारा जो है टारगेट हो सकता है, या फिर ये जो देखिए ये जो एक रेजिस्टेंस ये है मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखा देता हूं, ये देखिए ये हमारा 3690 का लेवल जो है यहां पर हमारा टारगेट हो सकता है, मीन 100 पॉइंट्स के लिए हम यहां पर इंट्राडे के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिप्ला। तो सिप्ला में देखिए अभी यहां पर सपोर्ट के कंटिन्यू अभी के रेंज में है, तो अभी इसको रेंज को ब्रेक होने दीजिए, 750 के ऊपर की क्लोजिंग जो है 750 की क्लोजिंग के ऊपर हम यहां पर बायर बनेंगे और 732 की क्लोजिंग के नीचे हम यहां पर सेलर बनेंगे। अगर हम सेलर बनेंगे तो हमारा टारगेट यहां पर 720 का होने वाला है। नेक्स्ट है हमारा कोल इंडिया। तो कोल इंडिया भी यहां पर देखिए अभी कंटिन्यू यहां पर एक सस्टेन कर रहा है 120 के लेवल पर, हमारी मंडे को जो बाइंग होगी वो 123 के ऊपर होगी, एक हमारा टारगेट होगा 124, 125 और 126। नेक्स्ट है हमारा डिविस लैब। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डिविस लैब हमारी वॉच लिस्ट में है, ठीक है, अगर अभी ब्रेकआउट करता है 3500 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो 3500 रुपए की ऊपर की क्लोजिंग के बाद हम इसको जो है लेकर जाने वाले हैं। मैंने 5 स्टॉक्स आपको बता दिए हैं, अगर आप भी इसमें अपनी पोजिशन बनाना चाहते हैं तो आप अपने टेक्निकल एनालिसिस से या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जो है सलाह जरूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा देखिए डॉक्टर रेड्डी। अब डॉक्टर रेड्डी देखिए अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर एक डबल बॉटम पैटर्न दिखाई देगा, फर्स्ट बॉटम ये है, सेकंड बॉटम ये है। मे बी अब देखिए क्या यहां पर हो सकता है, यहां पर अगर 4750 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ हम जा सकते हैं इंट्राडे में, हमारा टारगेट जो होता है देखिए 4800 और 4850 का ऊपर का टारगेट होगा। और अगर अब ये लेवल ब्रेक करता है तो यहां पर एक
जो है मंदी देखने को मिल सकती है और ये जो है नीचे 4350 तक जो है ये आ सकता है, तो इसमें नजर बना के रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा आयशर मोटर। देखिए आयशर मोटर भी अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसको भी जो है हमने ट्रेड किया था। हमने कहाँ ट्रेड किया था, हमारा 2320 पर हमने इसको जो एग्जीक्यूट किया था। ये देखिए 2320 पर, जब यहाँ पर 2315 का हाई लगा था, 2320 पर हमने यहाँ पर पोजिशन बनाई थी। फाइनली अभी हमने 50% क्वांटिटी बुक कर ली है, 50% क्वांटिटी अभी हमारे क्लाइंट्स लोगों की चल रही है। नेक्स्ट है हमारा गेल। तो गेल देखिए अभी हमारे फ्रेश ब्रेकआउट में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, ये ट्रेंड लाइन देखिए, ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट हुआ है फ्राइडे के सेशन में। अब इसके ऊपर निकलेगा तो हम जो है बाइंग के लिए देखेंगे, बिकॉज अभी यहाँ पर एक हर्डल हमको दिखाई दे रहा है। ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा हर्डल है, ये हर्डल निकलने के बाद इसमें हम जो है बाइंग की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा ग्रासिम। तो ग्रासिम देखिए एक कंटिन्यू जो है असेंडिंग चैनल में देखिए कंटिन्यू ट्रेड कर रहा है। अब ये अगर अब देखिए अब ये जो है ऊपर के ट्रेंड लाइन के बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पर है। अब ये 860 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तब हम इसमें जो है पोजिशन बनाएंगे, ठीक है, इसको हम लेकर जाएंगे। अदरवाइज अगर ये नीचे का लेवल ब्रेक करता है 830 का, तो हम यहाँ पर जो है नीचे की ट्रेंड लाइन तक के लिए हम इसको जो है सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा HCL टेक। तो HCL टेक देखिए कंटिन्यू देखिए यहां से ऊपर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो कंटिन्यू अभी यहां पर देखिए कंटिन्यू इसी तरह से चलते चले जा रहा है। अब यहां पर अगर आप सेफ बाइंग करना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट हो लेने दीजिए, यहां पर पेशेंस रखिए। अदरवाइज आप इसको जो है 840 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। सेलिंग हमारी एक्टिव होगी 800 रुपए के नीचे। अगर 800 का लेवल ब्रेक करता है तो हम यहां पर जो है देखेंगे 740 का लेवल और जो है 700 का लेवल। नेक्स्ट है हमारा HDFC बैंक। तो HDFC बैंक देखिए यहां पर हम कंटिन्यू, ये देखिए अगर आप चीजों को ध्यान से देखिए, अब मैं देखिए मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए यहां पर एक फ्लैग बना था, यहां पर फ्लैग बना, फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट 1250 के ऊपर हुआ था। तो यहां मैंने आपको बताया था 1250 के ऊपर अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप दोबारा देखिए हिस्ट्री जो है देखिए रिपीट फिर हो रही है। अब यहां पर देखिए यहां पर भी जो एक आप देखेंगे तो यहां पर भी आपको एक फ्लैग दिखाई देगा। अब हम यहां पर वेट कर रहे हैं ब्रेकआउट का। अब अगर ये 1420 के ऊपर की क्लोजिंग देता है तो हम इसमें जो है बाइंग साइड की एंट्री बनाएंगे। अदरवाइज अगर ये 1350 के नीचे की क्लोजिंग इसको जो है नीचे यहां पर 1250 तक लेकर जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा HDFC लाइफ। तो फाइनली देखिए इसने ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद ये देखिए सस्टेन हो रहा है, ब्रेकआउट देने के बाद ये देखिए रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट होने के बाद फाइनली ग्रीन कैंडल बनी है। अगर आप यहां पर एंट्री बनाना चाहते हैं तो 675 के ऊपर एंट्री जो है बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हीरो मोटोकॉप। तो हीरो मोटोकॉप में यहां पर देखिए एक जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां पर बन रहा है, ये देखिए ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका हेड है और इसका राइट शोल्डर है। अगर ये देखिए अगर ये 2800 के नीचे की क्लोजिंग, 2800 की नीचे की क्लोजिंग जो है इसको देखिए बहुत नीचे तक लेकर जा सकती है। मे बी यहां पर इस लेवल पर आके 2800-2820 के पास आकर यहां पे सपोर्ट ले सकता है और यहां से जो है फिर एक बाइंग एक्टिव हो सकती है। बट अगर ये हेड एंड शोल्डर एक्टिव हो गया तो हमारा जो है 3300-3400 और नीचे 2800 मीन्स हम 500 पॉइंट्स का डाउनफॉल यहां पर देखने के लिए तैयार रह सकते हैं अगर ये हेड एंड शोल्डर एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा हिंडाल्को। तो हिंडाल्को भी देखिए ब्रेकआउट का कंटिन्यू यहां पर जो है ऊपर की तरफ निकल रहा है। अब हम मंडे को यहां पर 220 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर को अभी इसको वेट करिए, इसको इस ट्रेंड लाइन पर आने दीजिए। ट्रेंड लाइन पर आने के बाद यहां पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो हम यहां पर बाइंग साइड देखेंगे। नेक्स्ट है HDFC। तो HDFC भी देखिए मैंने आपको इस लेवल पर बताया था, ये जो लेवल मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है ये लेवल था 1920 का। 1920 के ऊपर देखिए मैंने आपको यहां पर टारगेट जो दिया था 2250 और 2300 का, तो फाइनली सारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो इसने जो हाई लगाया है 2386 का लगाया है। अब हम इसको 2390 के ऊपर हम इसको देखेंगे, 2390 के ऊपर बाइंग करेंगे। अदरवाइज अगर इंट्राडे में कोई ऐसा ट्रेड बनेगा बाइंग साइड का तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी अगर ये 2250 के नीचे क्लोजिंग करता है तो ये नीचे ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा ICICI बैंक। तो ICICI बैंक देखिए अपने फ्राइडे को अपने सपोर्ट लेवल पर जो इसने टेस्ट किया, सपोर्ट लेवल पर टेस्ट करने के बाद फाइनली यहां पर एक बाइंग आ गई है। अब यहां पर मंडे को हम बाइंग करेंगे 485 रुपीज के ऊपर, हमारा टारगेट होगा 490-495 और 500। नेक्स्ट है हमारा ITC। देखिए ITC में भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि यहां पर हमने एंट्री बनाई थी, तो यहां पर हमने एंट्री 180 के लेवल पर बनाई थी और फाइनली यहां पर हमारे जो है 190 का टारगेट था अचीव हो गया है। अब यहां पर देखिए हमको क्या करना है, यहां पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहां पर देखिए है। अब इस रेजिस्टेंस को निकालता है 193 का रेजिस्टेंस निकालता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 199 और अगला टारगेट 205 का। नेक्स्ट है IOC। तो IOC भी देखिए ब्रेकआउट के बाद यहां पर रीटेस्ट करने के बाद इसने एक डोजी कैंडल बनाई है। मे बी यहां से अगर डोजी कैंडल का हाई क्रॉस करता है, 85 क्रॉस करता है तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। अदरवाइज इसका लो ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा इन्फोसिस।
तो इंफोसिस भी देखिए अभी एक ट्रायंगल पैटर्न में जो है फंसा हुआ है। अभी यहां पर जिसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है, मंडे को अगर ये 1110 का लेवल क्रॉस करता है तो यहां पर आप 1118, 1125 और 1132 के लेवल के लिए यहां पर जो है बाइंग साइड में जा सकते हैं। सेम देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील में भी है, जेएसडब्ल्यू स्टील ने भी देखिए ट्रेंड लाइन का जो है सपोर्ट लिया है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के बाद एक यहां पर ग्रीन कैंडल बनाई है, मे बी इसको हम डोजी कैंडल कह सकते हैं। अगर अब देखिए इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 340 के ऊपर निकलता है तो हम इंट्राडे में बाइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोटक बैंक। कोटक बैंक देखिए मैं आपको यहीं से बताते आ रहा हूं, 1515 के ऊपर की क्लोजिंग जो है इसको काफी ऊपर लेकर जाएगी। तो फाइनली हमारा टारगेट 1800 था, तो 1800 टारगेट हमारा अचीव हो गया है। अभी यहां पर देखिए जो इसका हाई लगा है 1899 का लगा है। अब इसको 1902 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग लेवल ध्यान से सुनिएगा, 1902 के ऊपर कैंडल क्लोज होती है फिर आप इसमें जो है बाइंग ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलटी। तो एलटी देखिए इसमें हमने फ्रेश एंट्री बनाई है। ये देखिए यहां पर जो है असेंडिंग चैनल आप देख रहे होंगे, ये नीचे की ट्रेंड लाइन में ड्रॉ की हुई है, ये ऊपर की ट्रेंड लाइन है। तो फाइनली इसका ब्रेकआउट हुआ था 2-3 दिन पहले, इसमें अभी हमने एंट्री बनाई है। अब इसमें हम देखेंगे अगर आप फ्रेश एंट्री अगर आप इसमें लेना चाहते हैं तो 1175 की क्लोजिंग के ऊपर ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एमएनएम। तो एमएनएम भी ये देखिए कितना अच्छा यहां पर ब्रेकआउट हुआ है 660 के ऊपर, 660 रुपए के ऊपर यहां पर एंट्री यहां पर मैंने बनाने को दिया हुआ था क्लाइंट्स लोगों को। अब यहां पर देखिए अभी जैसे ही 725 का लेवल निकलेगा तो यहां पर हम 750, 775 और 800 का टारगेट यहां पर बहुत जल्दी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा मारुति। मारुति की भी रहन दीजिए, अभी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा नेस्लिन। नेस्लिन देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, नेस्लिन एक फ्रेश ब्रेकआउट यहां पर दिया है। ये देखिए कल के डेट में यहां पर एक फ्राइडे के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। अगर कल देखिए अगर आप इसमें पोजीशन भी अगर बनाना चाहते हैं तो 17500 के ऊपर जैसे ये ट्रेड करता है 17520-530 के पास आप जो है पोजीशन बना सकते हैं। यहां पर टारगेट हमारा 20000 का है, ठीक है, फाइनल टारगेट यहां 20000 का है। और अगर आप इंट्राडे में ट्रेड बनाना चाहते हैं तो 17510 के ऊपर आप जो है 200-300 पॉइंट के लिए जो है यहां पर अपना जो है ट्रेड बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलायंस। तो रिलायंस यहां पर देखिए फ्राइडे के सेशन में एक बहुत तेज मंदी यहां पर देखने को मिली है। तो अभी यहां पर हम जो है इसमें कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अगर ये डे लो ब्रेक करता है, मींस फ्राइडे का लो ब्रेक करता है 1895 का, देखिए अगर ये 1905 1907 के पास क्लोज हुआ होता तो हम यहां पर बाइंग की तरफ देखते हैं। बट अभी इसने जो है 1900 के नीचे क्लोजिंग दे दी है तो हम 1895 के नीचे हम इसको सेल साइड के लिए देख रहे हैं और यहां पर हमारा टारगेट 1850 का है मंडे के सेशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा एसबीआई लाइफ। तो एसबीआई लाइफ देखिए यहां पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद और एक यहां पर देखिए ये भी एक रेजिस्टेंस था 635 का, 835 का ब्रेक होने के बाद देखिए ऊपर की तरफ गया। अब यहां पर रीटेस्ट हो रहा है, रीटेस्ट होने के बाद यहां पर ध्यान से देखिए हैमर कैंडल बनी है, हैमर कैंडल यहां पर बनी हुई है। अब 850 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है तो आप इसमें इंट्राडे में बाइंग बना सकते हैं। इसमें आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 858 का, 865 का और 872 का मंडे का टारगेट है ये। नेक्स्ट है हमारा श्री सीमेंट। तो श्री सीमेंट भी देखिए यहां पर देखिए ये एक इसके लिए रेजिस्टेंस लेवल था 21650 का और फाइनली 21650 के बाद ये देखिए ऊपर क्या ये जो है रेजिस्टेंस मैंने लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है। फाइनली यहां पर 24000 का टारगेट अचीव हो चुका है। अब यहां पर देखिए आपको क्या करना है, यहां पर अगर ये 23500 का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो आप इस ट्रेंड लाइन तक के लिए यहां पर सेलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज बाइंग साइड में अगर जाना है तो यहां पर 24300 के ऊपर ट्रेड करेगा तब हम इसको बाइंग साइड में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सन फार्मा। तो सन फार्मा में देखिए इसके लिए एक रेंज बनी हुई है, नीचे की रेंज 490 रुपए और ऊपर की रेंज जो है 520 रुपए की है। तो अभी ये रेंज के बाहर निकलने दीजिए फिर हम इसको जो है बाइंग साइड या सेलिंग साइड में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा टीसीएस। तो टीसीएस ये देखिए टीसीएस भी एक रेंज में फंसा हुआ है, ऊपर की रेंज जो है 2730 रुपए है और नीचे की रेंज 2600 रुपए है। तो अब इसको जो है अभी रेंज से निकलने दीजिए। देखिए अगर इस तरह के हम सिनेरियो में अगर ट्रेड लेते हैं तो हम यहां पर ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, यहां पर हमारे स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। बिकॉज ये जो अभी रेंज चल रही है ये वॉलेटाइल होती है, मान लीजिए 100 रुपए से, मान लीजिए अगर 2300 रुपए से चली है तो 2350 रुपए जाएगी फिर जो है 2300 रुपए पर आ जाती है। सो यहां पर जो है स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो मतलब एक क्लियर जो व्यू हो, जिस ट्रेड में कॉन्फिडेंस आए ऐसे ट्रेड में ट्रेड करिए, ऐसे ट्रेड में ट्रेड मत करिए जहां पर मार्केट किसी रेंज में काम कर रही है या साइडवेज है। नेक्स्ट है हमारा देखिए टाटा स्टील। टाटा स्टील देखिए मैंने आपको यहां पर बताया था 440 के ऊपर बताया था, 500 का हमारा टारगेट था। यहां पर देखिए जो हाई लगा है अभी 541 का लगा है। अब यहां पर मंडे के सेशन में जो है अगर 540 के ऊपर निकलता है तो 545 और 550 के लिए आप जो है बाइंग साइड में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेक महिंद्रा।
टेक महिंद्रा देखिए, अभी ये नीचे जो मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, अब ये फोर्थ टाइम जो है इस ट्रेंड लाइन पर आके इसने सपोर्ट लिया है। यहां पर हम बाइंग के लिए देखेंगे 850 के क्लोजिंग के ऊपर, 850 के नीचे अभी हमको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा टाइटन। तो टाइटन यहां पर देखिए, ये देखिए एक असेंडिंग चैनल है, असेंडिंग चैनल में देखिए हमने यहां पर जो है ट्रेड बनाया था, इसमें 806 रुपए के आसपास कहीं ट्रेड बनाया था। मैं आपको दिखा देता हूं रेंज ड्रॉ करके, यहां कहीं अब ये देखिए ये जो है 1200 का लेवल था, तो 1200 के लेवल जैसे ही यहां पर क्लोजिंग आई थी, ये देखिए नेक्स्ट डे की जो क्लोजिंग आई थी वो क्लोजिंग आई थी 1217 की, तो इसके बीच में हमने इंट्राडे में कहीं क्लोजिंग जो है पोजीशन बनाई थी 1208 के आसपास, वो पोजीशन हमने 50% क्वांटिटी बुक कर ली थी और 50% क्वांटिटी अभी हमारी होल्ड में है। तो यहां पर देखिए टाइटन ने फाइनली जो है इस चैनल को ब्रेक कर दिया है। देखिए ये 90 डिग्री ब्रेकआउट जो है बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट होते हैं, अगर ये मंडे के सेशन में 1371-72 का लेवल निकालता है तो आने वाले दिनों में हम जो है इसमें बहुत बड़ी मूव देखने को मिलेगी। मेरा टारगेट फाइनली इसमें 1500 का है, जो 50% क्वांटिटी हमने होल्ड की, अपने क्लाइंट्स वगैरह को होल्ड कराई है, तो इसमें 1500 का टारगेट है, देखते हैं इसमें क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा यूपीएल। तो यूपीएल भी देखिए, ये देखिए अभी यहां पर इसने एक हैमर कैंडल जो है फॉर्म करी हुई है, अब इसमें अगर बाइंग अगर आप देख रहे हैं तो 422 के ऊपर निकलता है तो इसमें बाइंग साइड जाइए, अदरवाइज अगर ये 407 का लेवल ब्रेक करता है तो यहां पर जो है ये 300 के नीचे भी आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा अल्ट्राटेक सीमेंट। तो अल्ट्राटेक सीमेंट देखिए, ये भी देखिए कंटिन्यू ये एक देखिए यहां पर ब्रेकआउट हुआ था, ये जो ब्रेकआउट मैंने ऊपर रेजिस्टेंस लेवल जो ड्रॉ करके रखा हुआ है 4225 का, तो 4225 के बाद कंटिन्यू देखिए इसने जो हाई लगाया है वो 5000 के नियर अबाउट लगाया है 4977 का, ठीक है। तो फाइनली अभी इसको कुछ भी नहीं करना है, अभी इसको आप थोड़ा नीचे की तरफ देखिए, 4770 का नीचे लेवल ब्रेक करता है तो मे बी जो है ये 4725 और जो है 4675 का लेवल आपको दिखा सकता है इंट्राडे में। अगर बाइंग साइड के लिए देख रहे हैं तो इसको जो है 5000 के ऊपर क्लोज होने दीजिए, 5000 के ऊपर की जब क्लोजिंग आ जाएगी फिर हम नेक्स्ट डे इसको बाइंग साइड के लिए देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा विप्रो। तो विप्रो का स्टॉक भी देखिए सेम, बिल्कुल सेम टीसीएस, आपने देखा टीसीएस का स्टॉक अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, जो मूव हमने टीसीएस में देखी थी वही विप्रो में, अभी मैं आपको टीसीएस का चार्ट जो है दोबारा लगा के दिखाऊंगा। देखिए चार्ट अगर आप ध्यान में रखते हैं, अगर आपको याद रहता है तो आपको जो है कोई भी चार्ट देखकर आपको पता चल जाता है कि अरे उस स्टॉक में भी इस तरह का चार्ट बना हुआ है। सो देखिए अभी हमने चार्ट देखा था टीसीएस का, सेम यही मूव है, ठीक है। तो अभी ये रेंज में बिल्कुल फंसा हुआ है, तो ऊपर की रेंज जो है 300-355 है और नीचे की जो रेंज है वो 330 है। अब ये 25 रुपीज की जो रेंज है, ये रेंज को निकलने दीजिए, चाहे ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे चाहे ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करे, अब जहां निकलेगी, ऊपर की तरफ निकलेगी तो हम बायर बन जाएंगे, नीचे की तरफ निकलेगी तो हम सेलर बन जाएंगे। देखिए मैं आपको टीसीएस का चार्ट भी दोबारा दिखाता हूं, अभी ये देखिए मैंने टीसीएस का चार्ट लगा लिया है, देखिए सेम बिल्कुल विप्रो के चार्ट की तरह ही है, ठीक है। तो यहां पर देखिए चीजों को ध्यान रखकर करिए, रिस्क मैनेजमेंट को जरूर फॉलो करिए। सेकंड, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो आप मेरे ट्रेड करना चाहते हैं, जो ट्रेड पर्सनली मैं खुद ट्रेड करता हूं वही ट्रेड मैं अपने क्लाइंट्स वगैरह को देता हूं, अगर आप वो ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाइए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको अकाउंट ओपन करना है एंजल ब्रोकिंग में, अलायंस ब्लू में। अकाउंट ओपन करने के बाद आप जो है मेरे पर्सनल ट्रेड लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सेकंड, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, वहां पर देखिए ट्रेडिंग आइडिया वगैरह मैं देता रहता हूं, टेक्निकल एनालिसिस भी आप वहां से सीख सकते हैं, जो चार्ट्स में ड्रॉ करता हूं वो चार्ट आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए चीजें धीरे धीरे करने से समझ में आएंगी, प्रैक्टिस करने से समझ में आएंगी, यहां पर कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है कि आप एक दिन में सीख जाएंगे, आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना होगा, कंटिन्यू आपको ट्रेड करना होगा, उसके बाद यहां पर जाके चीजें आपको समझ में आएंगी। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। जय हिंद।